उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सुबह 7 बजे से राज्य की 10 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली सीटें शामिल हैं। इन 10 सीटों पर 100 प्रत्याशियों में 8 महिला उम्मीदवार हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज मतदाता करेंगे। तीसरे चरण का चुनाव और भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि मुलायम परिवार के 3 सदस्यों की साख दांव पर लगी हुई है। इसके बाद यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के सामने भी जनाधार बटोरने की चुनौती होगी। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को चाक चौबंद किया गया है। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 25,819 कंट्रोल व वैलेट यूनिट और 27,597 वीवीपैट के जरिए वोटिंग प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है। 50% यानी करीब 1208 पोलिंग बूथ से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके पर्यवेक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही है। अब एक नज़र 9 बजे तक की मतदान प्रतिशत पर भी डाल लेते हैं। आगरा में 9 बजे तक 12.74, आंवला में 11.42, बदायूं में 12.89, बरेली में 11.59 और एटा में 13.16, फतेहपुर सीकरी में 14%, फिरोजाबाद में 13.36, हाथरस में 13.43, मैनपुरी में 12.18, संभल में 14.71%। 9 बजे तक मतदान संपन्न हो गया है। वहीं मैनपुर के थाना कुर्रा के गांव सहन में सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपाइयों पर फर्जी मतदान का आरोप लगाया। जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब तक विवाद शांत हो चुका था। अधिकारियों ने किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से मतदान केंद्र के पास न पहुंचने की भी हिदायत दी है।